सोलन में महिला ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो महिला और उसके पति में कुछ दिनों से अनबन चल रही थी। मृतक महिला के साथ मारपीट भी हुई थी और यही वजह है कि महिला ने मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उनकी बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है और कहा कि उनकी बेटी से मृतक का पति शराब के नशे में उससे रोज मारपीट करता था, जिसकी वजह से उनकी बेटी बहुत तंग आ चुकी थी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ससुराल पक्ष उनकी बेटी से दहेज की मांग करते थे और उनकी मांग पूरी न होने की स्थिति पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए। हमें इन पे शक है, लड़की की ननद पे और लड़की की सास ससुर और इसके घर वाले पे। हमें पूरी तरह से विश्वास है और पूरी तरह से शक भी है कि इन्होंने इतना मजबूर किया, इतना मारा पीटा उसको कि उससे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। इस लड़की के दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से, गुजारिश है मेरी कि उन बच्चों को न्याय मिले और उसके परिवार वालों, उसके माता पिता को न्याय मिले। ऐसी फीलिंग लाओ जो कि जो मेरी भतीजी थी, प्रीति नाम था उसका, उसने इतना मजबूर, उसको सास ससुरों ने कर दिया उसको, उसको अपनी आत्महत्या करने मजबूर कर दिया। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो किसके सहारे रहेंगे? इनको से कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कभी कहते थे गाड़ी लेंगे हम, हमारे जेठ की इतनी हैसियत नहीं थी हमारी कि हम उसको गाड़ी दें। उन पर चार बेटी हैं, वो किस किस की चीज देते हैं, किस किस को देंगे ये बताओ। सर दहेज के पीछे उसको तंग करते थे, लड़का शराबी है, दारू पीता है, सब करता है, माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है, कोई काम धंधा नहीं करता उसके होते थे, इस वजह से वो तंग करता था। लड़की मना करती थी तो उसको मारते थे, उसके शरीर पर भी निशान है, गले पर निशान लगे हुए हैं। सर मैं चाहती हूँ हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारी भतीजी ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी लड़की थी वो।